हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वाई के उच्चारण के 3 नियम। वैसे तो आप वाई का उच्चारण इंग्लिश शब्दों में करते होंगे, लेकिन यह बात नहीं जानते होंगे कि वाई का उच्चारण या कब किया जाता है और ई या आई कब होता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मैं हूं राजू सागर, मेरे YouTube चैनल समझते रहो आपका स्वागत करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वाई का उच्चारण या ई और आई किया जाता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई का प्रयोग इंग्लिश वर्ड में 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, वाई का प्रयोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के रूप में होता है। नंबर 2, वाई का प्रयोग वोवेल्स यानी स्वर के रूप में होता है। इसलिए वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, क्योंकि वाई का प्रयोग कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों के रूप में होता है। वाई का उच्चारण ई कब होता है? जब किसी शब्द में कोई सिंगल व्यंजन या एक समान साउंड वाले डबल व्यंजन के बाद वाई होता है, तब वाई का उच्चारण ई होता है। जैसे कॉपी, कॉपी शब्द में पी सिंगल व्यंजन के बाद वाई दिया है, जिसका प्रयोग स्वर के रूप में है, इसलिए वाई का उच्चारण ई किया गया है। कैरी, कैरी शब्द में डबल आर एक समान साउंड वाले व्यंजनों के बाद वाई दिया है, जिसका प्रयोग स्वर के रूप में है, इसलिए वाई का उच्चारण ई किया गया है। इसी तरह से लेडी, वैली, मैनी, फनी, इन शब्दों में भी वाई का प्रयोग स्वर के रूप में किया गया है, इसलिए वाई का उच्चारण ई किया जाएगा। वाई का उच्चारण या कब होता है? जब वाई का प्रयोग व्यंजन के रूप में होता है, तब वाई का उच्चारण या होता है। जैसे यार्ड, यार्ड शब्द में वाई का प्रयोग व्यंजन के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ वाई का उच्चारण या होगा। यस, यस शब्द में भी वाई का प्रयोग व्यंजन के रूप में है, इसलिए वाई का उच्चारण या होगा। इसी तरह से यट, यर, यूट्यूब, येलो, इन शब्दों में भी वाई का प्रयोग व्यंजन के रूप में है, इसलिए यहाँ वाई का उच्चारण या होगा। वाई का उच्चारण आई कब होता है? जब केवल सिंगल व्यंजन या डिफरेंट साउंड वाले डबल व्यंजन के बाद वाई होता है, तब वाई का उच्चारण आई होता है। जैसे माई, माई शब्द में केवल सिंगल व्यंजन एम के बाद वाई दिया है, जिसका प्रयोग वोवेल के रूप में है, इसलिए वाई का उच्चारण आई किया जाएगा। ट्राई, ट्राई शब्द में डिफरेंट साउंड वाले डबल व्यंजन टी आर के बाद वाई दिया है, जिसका प्रयोग स्वर के रूप में है, इसलिए वाई का उच्चारण आई किया जाएगा। इसी तरह से वाई, किराई, थाई, स्काई, रेप्लाई, सप्लाई, इन शब्दों में वाई का उच्चारण स्वर के रूप में है, इसलिए ऐसे शब्दों में वाई का उच्चारण आई किया गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप समझ चुके होंगे कि वाई का उच्चारण कब या होता है और कब ई या आई होता है। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं और 2 सेमी वॉवल्स होते हैं और 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 सेमी वॉवल कौन से 2 अक्षरों को कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।